इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भीतरवार से, जहां एक 17 वर्षीय बालक घर से लापता हो चुका है। आपको बता दें कि परिजनों ने उसके अपहरण की आशंका जताई है और आशंका जताते हुए पुलिस में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज करवाया है। बता दें कि मंगलवार शाम 5 बजे से पुष्पेंद्र लापता हुआ था। सहारन खीरिया हॉल वार्ड नंबर 9 का ये मामला बताया जा रहा है। आइए इस मामले में और तमाम जानकारी के जुड़ते हमारे संभागीय हेड इमरान खान के साथ। इमरान बताइए, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल मयंक, जैसे कि जो फरियादी ने FIR दर्ज कराई है थाने में, रामादास सिंह रावत जो कि पुष्पेंद्र रावत जो लड़का है उसके पिताजी हैं, उन्होंने बताया कि मेरा लड़का पुष्पेंद्र रावत उम्र 17 वर्ष निवासी सारण क्रिया हाल निवास पार्ट नंबर 9 भितरवार रावत कॉलोनी में 19/10/2021 यानी मंगलवार को सुबह करीब 9 बजे अपना ट्रैक्टर लेके रामादार शासन के लिए निकल गया था। और जब वो लौट कर करीब 12 बजे घर पर आया तो उसकी दादी यानी कि लड़के पुष्पेंद्र रावत लड़के की दादी और फरियादी रामादार सिंह रावत की मां ने बताया कि वो करीब 10 बजे घर से कह के गया था कि मैं जा रहा हूँ यार, मेरे को जीजाजी दिनेश रावत मुझे बुला रहे हैं। तो वहां से वो कह के निकला, उसके बाद वो करीब घर नहीं पहुंचा। तो शाम को जैसे ही उनको परिजनों को इस बात की सूचना लगी कि लड़का गुमशुदा, लड़का लौट के नहीं आया, तो उन्होंने फिर आनंद फनन में थाने पर आकर और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि ये मामला पूरा मांगे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि फरियादी जो आपको रामादार सिंह रावत, उन्होंने अपहरण की आशंका जताई और उन्होंने ये भी बताया है खबर मध्य प्रदेश को कि शाम को 5 बजे लड़के के नंबर से मेरे पास फोन आता है कि 5 लाख रुपए दे जाओ और अपने लड़के को ले जाओ। उसके बाद उस लड़के का मोबाइल बंद जा रहा है। उसके बाद जैसे ही पुलिस को सारी जानकारी लगी कि फरौती का मामला सामने आया है तो पुलिस सक्रिय हो गई और रात में जहां जहां उनको शंका थी परिजनों को वहां पर वहां से वहां पर दिया और दिनेश रावत जो उसको पुलिस ने वहां से अपने घर से उठा लिया है। हालांकि अब भीतरवार थाने में पुलिस ने इस मामले को बहुत ही ज्यादा बारीकी से लिया और देहात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर और SDO भी अपना फोन बारंगी वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। और जो उसके जीजाजी थे जिसकी कहकर लड़का निकला था जिसके पास जा रहा उससे पूछताछ की जा रही है। और अभी इसमें एक मामले में सामने एक खुलासा भी आया कि लड़के का जो मोबाइल था, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है जो पुस्तक में पड़ गया है, वो लड़के का मोबाइल जो है वो दिनेश रावत पर ही बरामद हुआ है। हालांकि पूरे मामला ने तुल पकड़ लिया और पुलिस पूरे मामले की मैं बता दूं क्राइम ब्रांच भी भीतरवार पहुंच चुकी है, पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। हालांकि ये मामला पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द ही इस मामले को खोल दिया जाएगा। जी जी इमरान, ये जो परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है तो क्या उन्होंने किसी का नाम इसमें बताया कि किस पर उनको शक है? बिल्कुल मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लड़के के पिताजी जो फरियादी है रामादास सिंह रावत, उन्होंने पुलिस को बताया था कि वो उसका लड़का अपनी दादी से 10 बजे करीब घर से एक जगह मेरे जीजाजी दिनेश रावत मुझे बुला रहा है और वहां से निकलकर दिनेश रावत जी के पास बस स्टैंड पर गया था। और उसके जब वो लौट के घर नहीं आया है तो उसके बाद में परिजनों को शंका लगी तो जब शाम तक 5 बजे उसका फोन आया, यानी कि लड़के के नंबर से ही कॉल आता है कि 5 लाख रुपए दे जाओ और अपने लड़के को ले जाओ। उसके बाद वो फोन कट जाता है, उसके बाद वो नंबर बंद जाता है और उसका उसकी लाइट लोकेशन जो निकाली जाती है वो ग्वालियर के आसपास की आती है, निकलकर रात में 11 बजे। उसके बाद तो उस लड़के का कोई पता नहीं। जैसे ही पूरे मामले में SP जो है अमित सांगे जी, उन्होंने पूरा मामले को गंभीरता से लेते हुए, हालांकि जो जिस लड़के का नाम उन्होंने लिया था पुष्पेंद्र रावत के पिताजी रामादार ने, उस दिनेश रावत को पुलिस ने अभी पूछताछ के लिए थाने बुला लिया है और उससे पूरी पूछताछ की जा रही है। और मैं आपको बता दूं मैं कि जो मोबाइल से जिसका फोन आया था, जो कि परिजनों का कहना, पुष्पेंद्र रावत के परिजनों ने अभी जानकारी दी है कि जो मोबाइल लड़के का था वो कहीं ना कहीं दिनेश रावत जो जीजा जिसको पुलिस ने उठाया है वहीं से बरामद हुआ है। और देहात SP खुद मौके पर है, SDO खुद मौके पर है और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर है। दिनेश रावत से बारीकी से पूछताछ की जा रही है और शंका जताई जा रही है कि बहुत जल्दी शायद पुलिस इस मामले का खुलासा कर देगी। जी जी बिल्कुल इमरान। इमरान, जो ये लड़का जो अपहरण जिसका हुआ है या परिजनों ने जो आशंका जताई कि, लेकिन इसके बाद फिरौती की जो रकम के लिए फोन आया था जिस इंसान का, जिस पर दिनेश रावत आप बता रहे हैं अभी कि उसके ऊपर शक जा रहा है और मोबाइल उसके पास से बरामद हुआ है, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि फोन जब उसके पास है तो उसी नंबर से फोन आ रहा है? बिल्कुल माइंड केस, पूरा मामला शंका के घेरे में आ चुका है। और जैसे कि मैंने बताया कि लड़का जो है वो उसकी मम्मी नहीं है और उसका कोई भाई और बहन नहीं है, एक इकलौता अपने घर का चिराग और उसी की शंका, और जो परिजनों शंका जताई थी कि अपहरण की, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होती नजर आ रही है जो कि मोबाइल बरामद होने से, क्योंकि जिस मोबाइल से फोन परिजनों के पास आता है वो मोबाइल कहीं ना कहीं उसी दिनेश रावत के पास से बरामद हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो शंका है वो और बढ़ती नजर आ रही है। इसी मामले को लेकर जब देहात SP
भी खुद मौके पर अभी थाने भीतरवार पुलिस में थाने बैठे हुए हैं, पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं और भी लोग जो है दबिश दी जा रही है पुलिस और बिल्कुल बारीकी से पुलिस इस मामले की पूरी की जांच की जा रही है। जैसे कि मैंने बताया कि ये मामला पूरा का पूरा शंका के घेरे में आ चुका है मोबाइल मिलने से। अब हालांकि अब पुलिस क्या करती है, कब तक इस मामले का खुलासा करती है, किस तरीके की साजिश रची गई है, हालांकि वो लड़का कहाँ है, गुमशुदा हुआ है या उसको उसका अपहरण किया गया, इस पूरे मामले की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और ये मामला जब खुल के सामने आएगा, जब सारी जांचें होने के बाद, जब इसका जो दिनेश रावत के जो बयान है वो पूरा होने के बाद, और हालांकि पुलिस का यह दावा है, पुलिस ये दावा भी करेगी बहुत जल्दी इस मामले को हम खुलासा कर देंगे। अब देखना होगा कि कब तक इस मामले का पुलिस खुलासा कर पाती है। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि लड़का जो है पुष्पिंद रावत तो घर में इकलौता चिराग है अपने बाप का, यानी कि ना तो कोई बहन है और ना कोई इसके ऊपर भाई है, 17 वर्षीय युवक लड़का है, तो कहीं ना कहीं घर वालों की चिंताएं बढ़ गई है और रात से ही पुलिस थाने के उसके लड़के के परिजन जो पुलिस थाने पर डटे हुए और पूरे मामले की गंभीरता से बारीकी से जांच कर वो रिक्वेस्ट पुलिस से कर रहा है। पुलिस ने उनको कठोर आश्वासन दिया है कि आपसे लड़का के साथ कुछ गलत नहीं होगा और हालांकि जो है कि जल्द से जल्द, लेकिन परिजनों की जो आशंका की लड़के के साथ कहीं गलत ना हो जाए उससे पहले लड़का बरामद हो जाए, तो पुलिस पूरे बिल्कुल जैसे कि देहात एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और एसडीओ की भी और क्राइम ब्रांच की टीम भी, पूरे मामले का बहुत जल्दी खुलासा होने का अनुसार लगाएगा। जी जी इमरान, क्या आप बता सकते हैं कि जो ये लड़का जो है पुष्पेंद्र नामक, इसके घर वालों का या इसका स्वयं का किसी से अभी कुछ हाल ही में कुछ दिनों पहले कुछ विवाद वगैरह हुआ हो? नहीं, ऐसा कोई मामला मैं सामने नहीं आया है। हालांकि जो दिनेश रावत जो पकड़ा गया है वो शायद ऐसा बताते हैं, इसके परिजनों ने कहीं बताया कि उसका कुछ रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं डबरा में खराब है और जिसको लेकर क्योंकि मैं की स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि जिस नंबर से फरौती के लिए फोन परिजनों के पास आता है वो मोबाइल कहीं ना कहीं अगर तो किसी के पास बरामद हो जाए कहीं ना कहीं पूरा उसकी शंका है वो एकदम उसी के पास बढ़ जाती है और स्पष्ट भी हो जाता है कि जिस नंबर से फोन आता है वो नंबर आकर ग्वालियर की लास्ट लोकेशन बताता है या बागवे की बताता है, उसके बाद वो मोबाइल उसी के पास से जैसे कि अगर बरामद होता है। लेकिन पुलिस अब हालांकि अभी पुलिस ने कुछ स्पष्ट नहीं किया, कुछ पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस का दावा कि बहुत जल्दी इस मामले को खोल दिया जाएगा। लेकिन अब पुरानी जो रंजिश है हालांकि ये सामने नहीं आई है कि क्या पुरानी रंजिश थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घर में इकलौता था तो सभी की निगाहें उस लड़के पर थी काफी दिनों से और वो लड़का बिल्कुल अपने पढ़ाई लिखाई कर रहा था और घर से जैसे कि उसको अगर उसके जीजा जी रिश्ते में जीजा लगता है वो अगर बुला के ले जाता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुरानी कोई रची हुई कहानी हो या किस तरह की कहानी निकल कर आती है, तो पुलिस से खुलासा करेगी जब लड़का बरामद हुआ उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि पुरानी रंजिश नजर आया किस तरह की कहानी उस लड़के के लिए रची गई है। जी जी बिल्कुल इमरान, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान।